अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। एज़ यू कैन सी कि मेरे हेयर स्टाइल से कि मैं अभी अभी उठा हूँ। बेसिकली सुबह हो रही है बाहर, जस्ट स्टार्टिंग अप आवर डे, और बेसिकली हम लोग जो हैं अब अपना डे स्टार्ट करते हैं। दिन स्टार्ट हो चुका है और बाहर थोड़ी ताज़ा हवा खाने आए। कनाडा की अच्छी बात यह कि कनाडा की हवा बहुत साफ, यू नो, इन्वायरमेंटली क्लीन है। तो बेसिकली बाहर आके थोड़ी सी हवा खा के एनर्जीज एनर्जीज हो जाते हैं, एनर्जीज। तो बेसिकली अब हम लोग नाश्ते की तैयारी करने जाते हैं, एंड लेट्स शो यू द प्रेपरेशंस फॉर दैट। सीधी सी बात है, चाय के बगैर दिन शुरू नहीं होता बिल्कुल भी। तो पत्ती डल चुकी है, पानी इज़ रेडी फॉर बॉयल। इसके अंदर आप देखें इलायची भी मैंने डाली हुई है। तो लेट्स गो। स्टेज टू आ चुका है चाय का, जब पानी फड़फड़ाना शुरू हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपको इसमें जो है दूध डालना। अभी हमने इसमें डाल दिया है दूध, एंड नाउ हमें इसका वेट करना होगा कि अब ये दूध यानी उबलना शुरू हो जाए, इज़ ऑल आई एम गोना से। अच्छा, अब ये जो है बॉयल होना शुरू हो गया है और हमें इसको करना होगा अब टेम। दैट ब्रिंग्स अस टू स्टेज थ्री, बेसिकली द बॉइलिंग ऑफ द दूध। अब इसको हम यूं यूं करेंगे और फिर इसको हम क्विकली जो है दम पे लगा देंगे। इसको लगा दिए दम पे। अगर आपको वर्ल्ड क्लास चाय पीनी है तो आप इसको लो हीट पे दम नहीं करें। आप जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए इसको थोड़ा सा फेंट के, लाइक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, आप इसको दम करें मीडियम हीट पे। यानी एक हाई होगा और एक लो होगा, जैसे यहाँ पे कनाडा के लोगों के लिए जो वो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो मैक्स और मिन के बीच में बिल्कुल जो है ब्राइट एट द सेंटर पॉइंट, उस पर छोड़ के अब आप इसको 10 मिनट तक दम करें। बेहतरीन चाय बनेगी, बिकॉज वो एक्सेलरेटेड दम कहलाता है। ये बेसिकली मेरा स्पेशल मिनहाज एक्सेलरेटेड दम चाय है। तो लेट्स सी यू इन 10 मिनट्स। अच्छा, अभी चाय बन चुकी है, क्या कहते हैं आप देखें, ज़बरदस्त कलर आया चाय का, चाय कह रहा है। अच्छा, अभी अंडे का सीन जो है काफ़ी हैवी चल रहा है। यहाँ पे ऑमलेट है विद चीज़ टोमेटोज, सो काफ़ी अच्छा ऑमलेट लग रहा है। और ये साइड में पराठे का भी कुछ बन रहा है यहाँ पे बेचारे, इतने से फ्राइंग पैन में जो है ये इसका कुछ भी होगा। तो इसका एंड रिजल्ट आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। चाय तो बन गई है, नाश्ता हो चुका है रेडी। ये देखिए चाय है, ठीक है, ये ऑमलेट पराठा और अंडा का कॉम्बिनेशन जो है एक साथ, एंड देन बेसिकली ये जैम बटर, और ये बेसिकली पक की क्रीम, क्रीमी डेयरी स्प्रेड है। आई डोंट नो इफ जो मिडल ईस्ट के रहने वाले, अगर आप लोगों ने कभी ये मिडल ईस्ट में रहे हैं तो ये पक की जैम जो है ना, सॉरी, क्रीम चीज़ स्प्रेड जो होती है बहुत अच्छी होती है। सो लेट्स गो। अच्छा, अभी नाश्ता वाश्ता हो चुका है डन, और अब हम जा रहे हैं कुछ काम करने। ज़रा मीटिंग शीटिंग्स स्टार्ट होने वाली हैं कंप्यूटर पे, तो बस अभी वो मीटिंग्स अटेंड करके फिर आपसे शाम में मिलते हैं। अच्छा, अभी तो हम लोग निकल गए तैयार श्यार होके, और हम लोग जा रहे हैं इकबाल फूड्स ग्रोसरी करने। अभी हम लोग पहुंच गए इकबाल फूड्स, और यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली अभी ग्रोसरी का सेशन शुरू होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वो आज तो बिल्कुल खाली है, सीन ऑन। आती चिप्स चिप्स की शॉपिंग शुरू हो गई है भाई। अभी हमने प्रॉपर ग्रोसरी स्टार्ट ही नहीं की, सब्जी उठाने से पहले हमने जो है चिप्स उठा दी। अच्छा, मुझे वैसे ग्रोसरी वगैरह का इतना कोई शौक नहीं है, लेकिन ये है कि सामान वामान लेना होता है, यानी हर 2-2 हफ्ते। तो ऑर्डर आया कुछ हरी मिर्च डालने का, तो हरी मिर्च डालते हैं, लेट्स गो। ये थोड़े से ऐसे डाल लेते हैं, थोड़े से ऐसे डाल लेते हैं, और डन। देखते भी सही किया मैंने काम या नहीं। अच्छा, अभी करेले भी आ गए हैं। तो उस दिन का अगर आपने ब्लॉग देखा था तो करेले भी बने थे घर पे, तो आई थिंक और करेले बनने वाले हैं। भावो यहाँ से।
वैसे पाकिस्तान में आम का सीज़न है, लेकिन यहाँ पे अच्छे आम नहीं आए इतने, कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, नरम है भाई। मिले हो अनवर रटोल वाले हैं भाई, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस, बहुत नरम है भाई। ये क्या सीन है भाई इकबाल, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर। अभी ग्रोसरी की ट्रे हो गई है काफ़ी फिल, अंडे शंडे भी आ गए हैं। अरे ये मैंगो कहाँ से आया? अभी तक तो बड़ा मज़ा आ रहा है ग्रोसरी करने में, कज़ आई एम व्लॉगिंग इट। और तकरीबन हो गई है ग्रोसरी हमारी, अब कुछ कीमा शीमा लेते हैं थोड़ा। बीफ कीमा ले रहे हैं, लीन लीन बीफ कीमा 2 pounds। अच्छा अभी बीफ कीमा हमने ले लिया है लीन, 2.5 pounds का कीमा पड़ा है 18.38, 6.99 पर। अब इतना सारा कीमा ले लिया मैंने, चल भाई अब कीमा ही खा पूरे हफ्ते। अच्छा मिचल्स की टोमेटो केचप किसको याद है? आई डोंट नो, मुझे तो बचपन में बड़ी याद आती थी पाकिस्तान में मिचल्स का जली और टोमेटो केचप। ओए होए स्ट्रॉबेरी जली भी है मिचल्स के भाई, उठाते ही उठाते हैं। संडे को बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, तो इसलिए मंडे इज़ द बेस्ट डे टू डू ग्रोसरी। ग्रोसरी करने के लिए जो है ना मंडे से अच्छा दिन कोई नहीं है, तो अभी इसको बिल्कुल खाली है। हाँ वो मैं उठाता हूँ अभी, तो हमारा काम हो चुका है सारा भाई, ये देख लो। अच्छा अभी ग्रोसरी व्रोसरी हो गई है डन, तो अब हम लोग सोच रहे हैं यार कुछ शाम में स्नैक नैक का मूड हो रहा है। देखते इस समर में दिन बड़े लंबे होते हैं, उसमें ना बीच में फिर भूख लगती है, विंटर में नहीं होते ये चक्कर। ओहो साउथ एंड स्पाइसी डोसा इडली परोठा, चलो देखते हैं भाई इधर क्या हो रहा है। नए रेस्टोरेंट है, इसका नाम है साउथ एंड स्पाइसी। ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट इट्स अ नॉन लाइक इट हैज़ नॉन वेज आइटम्स एज़ वेल, तो ये काफ़ी सीन हो। ये इनका मेन्यू है और हम लोग कभी कौन सा डोसा देख रहे हैं? मसाला मैसूर, हम लोग देख रहे हैं मसाला मैसूर डोसा, मैसूर डोसा स्टफ विद पोटैटो मसाला, और मसाला डोसा या तो फिर नॉर्मल मसाला डोसा। तो मैसूर वालों को कोई पता है भाई क्या मतलब है इसका? ट्राई मार के देख लेते हैं। अभी खाना ऑर्डर हो चुका है और अभी दिखाता हूँ मैं ऑर्डर किया। कोई क्या है भाई, मैसूर मसाला डोसा, और ये देखें सांभर है, दीज आर द सॉसेस, और ये मद्रास कॉफ़ी है, और ये जो है मैसूर मसाला, इसके अंदर आप देखें सारा रखा। सो लेट्स टेक इन। अच्छा ये मैसूर मसाला डोसा में एक्स्ट्रा पीस देते हैं, यू सी द रेड चिली सॉस इनसाइड, ये रेड चिली सॉस जो है ना इसको आप इसमें सांभर में लगा। मेन जो उसका गेम होता है ना ये होता है मसाले का, ये जो इसके अंदर मसाला होता है ना ये आपने खाना होता है बेसिकली, और ये सांभर में डाल के जो है ये खाना होता है इस तरह। अभी डोसा वोसा हो गया है डन और अब हम लोग निकल रहे हैं घर। अच्छा भाई तो हम लोग आ गए हैं ग्रोसरी व्रोसरी करके घर आ गए, और सारा ग्रोसरी हमने फ्रिज में टिका दिया है, किचन क्लियर अप कर दिया है, काफ़ी काम कर लिए हैं भाई आज के लिए। सो अब यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं दूर थोड़ी सी, थोड़ा बैठेंगे, मगरब का सनसेट वगैरह देखेंगे और उसके बाद चाय बनाने का सीन करेंगे। सो लेट्स गो। अच्छा भी अब जो शाम की रात की चाय का टाइम हो गया है, चाय का टाइम हो गया है, सॉरी आई कैन स्पीक। और ये इसमें पत्ती डाल दी है हमने, और ये हमने जो है हाई हीट पर डाल दिया, अब इसके ऊपर हम सॉल्ट वेगी दरअसल जो है डालते हैं। इलायची कितनी इलायची डालो? 3, 4, 5, 6 इलायची, वही हैवी हो गया है। अच्छा भी ये दूध की जो थैली है ये हमने मिल्क पिचर में डाल दी है और बस इसके बॉयल होने का वेट कर रहे हैं। अच्छा ये अब दूध की थैलियाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं भाई, पहले जो है 10 years अगो 299 का मिलता था, अब जो है 599 का मिल रहा है, 679 भी कुछ जगह हो गए, बड़ी महंगाई का ज़माना है भाई।
अभी चाय हो गई है बॉयल, और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध इज हियर। अब इसके बॉयल होने का वेट करते हैं। अच्छा, अभी चाय हो गई है बॉयल, और अब हमने इसको करना है टेम। ऐसे टेम करेंगे भाई, नंबर वन चाय बनने वाली है। अभी हमने इसको लगा दिया एक्सेलरेटेड दम पे, तो अब ये 10 मिनट तक दम होगी। टाइम हो रहा है 9:08, तो इंतज़ार करते हैं। चलिए, अभी 9:18 हो गए हैं, 10 मिनट्स इज अप, चाय हो गई है दम। अब इसको करते हैं इसमें ट्रांसफ़र। ओहो, मैक्रोनी विद बोनलेस चिकन भी है एंड चीज एंड एंड चीज कुकिंग क्रीम। एंड कुकिंग क्रीम, और ये ग्रीन चिलीज भी है इसमें। ओहो, यार तो मजा आने वाले, पार्टी हो रही है रोज भाई। थम्स। चल, ये देखे मैंने लिया है पास्ता, और यहाँ पे मिचल्स की टोमेटो केचप के साथ, और नेशनल की चिली गार्लिक सॉस के साथ। बेसिकली पाकिस्तान में आ गए वापस। अच्छा, अभी खाना पीना हो गया है डन, और उसी नोट पे इधर ही ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रा एलेक्सा से बात करते हैं। एलेक्सा, टर्न ऑफ लाइट्स। आज ओके, बात मान गई एलेक्सा। अभी मैं बैठी हुई हूँ, क्यों तुमने बोला? गुड नाइट।